अभी आज ही एक लेडी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि मैं शामिन 3-4 महीने से डाल रही हूँ, जबकि मैंने जब से रेकी सीखी है शामिन के बारे में मुझे ना किसी ने सिखाया है ना मुझे इसकी कुछ नॉलेज थी। आपने जो सिखाया है शामिन जो वीडियो में देख करके मैंने सीखा और मैं 4-5 महीने से अपने ऊपर अपने बच्चों पर सब पे मैं आजमा रही हूँ, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें जो स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा, हमारी कोई भी मतलब जो हेल्थ डाउन हो रही है तो वैसे ही हो रही है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए मैं फिर से आपको बोलती हूँ, मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिए, पूरा सुनिए ध्यान से और तभी उसको यूज़ कीजिए। पहली बात तो आपने शामिन स्वास्थ्य के लिए डाला, तो शामिन जो है इसकी बेसिक नेचर ये है ही नहीं, शामिन सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। ये सिंबल जो है अगर कोई भी जहरीला कीड़ा काट जाए, इंसेक्ट बाइट के लिए है, किसी भी तरह का जहरीला कीड़ा मधुमक्खी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, जो कि तिलमिला गए आप सूज गया, लाल हो गया, बेचैनी हो रही है, खुजली चल रही है, कंट्रोल में नहीं हो रहा, तुरंत शामिल डालो ठीक हो जाएगा। हाथ जल गया, कहीं भी जल गया, गर्म पानी, गर्म तेल, कुछ भी लग गया, कुछ भी बर्तन छू गया गर्म, उससे फफोला पड़ गया, तुरंत शामिल डालो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फफोला बैठ जाएगा, कोई दाग धब्बा कुछ नहीं पड़ेगा, शांति मिल जाएगी। 5 मिनट हाथ रख करके और डालो, ये है। या एक्सीडेंट हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत शामिल डालो ठीक हो जाएगा, झटका आ गया कहीं उसके लिए डालो। तो आपने ये पहली बात तो आपने ये यूज़ ही गलत किया है, गलत सिंबल यूज़ किया है पहली बात। हाँ नुकसान नहीं करेगा लेकिन लाभ भी नहीं करेगा फिर वो, आपने गलत, ये तो ऐसे ही हुआ किसी को दस्त लगे, आपने उसको बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, नहीं इसको बहुत वीकनेस हो गई है, दूध और पिला दिया तो क्या होगा वो आप सोचिए फिर। तो खैर ये रिएक्ट तो नहीं करेगा दूध की तरह, वो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं कि 4-5 महीने से लगी हुई हूँ और मुझे कोई फ़ायदा नहीं करेगा, पहली बात तो क्या आपने इसका ट्रीटमेंट लिया? ठीक है आपने गलत जगह पे यूज़ किया, गलत सिंबल यूज़ किया, पर अगर आप सही सिंबल भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो वो तब भी वो काम नहीं करेगा। देखिए कि यही फितरत है, इसका फर्स्ट लेवल से लेकर के लास्ट लेवल तक एक एक स्टेप वाइज इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई नई सिंबल सीखते हैं तो उसका सीखो सिंबल का, उस नए सिंबल का ट्रीटमेंट कैसे लेना है, तभी उसकी शक्ति ये यहाँ से आती है, तभी वो उसकी शक्ति आपके पूरी शरीर में आएगी, पूरी बॉडी में आएगी और मेनली वो हाथों में आएगी, तभी वो शक्ति काम करेगी, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ध्यान से देखो, जब मैं नई सिंबल बताती हूँ तो वो उसी जगह के लिए, उसी रोग के लिए, उसी प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ करो, किसी भी गलत चीज़ के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी कि कोई भी सिंबल डाल दो कहाँ हो गया, क्योंकि आपने फर्स्ट लेवल का, आपने जैसे बोला कि फर्स्ट लेवल का आपने सीखा हुआ है और उसमें सीधा शामिल आपने डाल दिया, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपने उसकी ट्रीटमेंट ली होगी, आप आती होगी नहीं, क्योंकि सिर्फ देखिए मेरा कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं फर्स्ट लेवल में ही ट्रीटमेंट लेना सिखा देती हूँ, ताकि किसी को अगर क्लासेस शुरू करनी है तो वो फर्स्ट लेवल से ही शुरू कर दे, और उसको ऑरा क्लीनिंग भी सिखा देती हूँ, उसको प्रोटेक्शन शील्ड में भी डालना सिखा देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें शुरू में सिखा देती हूँ, ताकि वो कम से कम अपने आप को तो सुरक्षित रखे, उसको कॉन्फिडेंस तो हो कि हाँ उसको कॉन्फिडेंस आएगा रेकी सीख करके एटीट्यूड बन लेते हुए, और अपने डिस्टेंस रेकी से उसको इतना पावरफुल बना देती हूँ कि उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं तो कर सकती हूँ। तो आप ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि ये जब हमने सीखी थी तो हमको भी शुरू में ये सिखाया नहीं गया था, फर्स्ट लेवल में कोई भी नहीं सिखाता एटीट्यूड देना ही लेना और ये सब चीज़ें नहीं सिखाता, लेकिन मैंने ये सिखाया है क्योंकि सीखने वाले को सबसे पहले कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं, कोई पूछेगा अच्छा फर्स्ट लेवल के लिए किसी की उसमें क्या सीखा तुमने, कुछ भी नहीं, जो कुछ आप बताया मैं तो नाम भी नहीं सुना, हमें तो नहीं बताया गया, तो इस सब प्रॉब्लम का उसको सामना ना करना पड़े इसके लिए हमने जो भी अपना कोर्स शुरू किया उसमें फर्स्ट लेवल से ही अच्छी तरह से नॉलेज भरपूर दी है, ताकि उसको लगे कि हाँ मैं रेकी चैनल बन गया हूँ, बन गई हूँ और मैं जो है रेकी में आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। खैर जो भी है वो बात अलग चीज़ है, लेकिन हाँ मैं सिंबल की बात कर रही थी, तो प्लीज़ ठीक सिंबल ठीक जगह पर ठीक समय पर ही यूज़ कीजिए, नहीं पता है तो मत कीजिए, उसको टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कुछ भी नहीं होगा उससे, और ट्रीटमेंट लेना उसका बहुत ज़रूरी है, बिना ट्रीटमेंट के कोई कुछ काम नहीं करेगा। बार बार लोग कंप्लेंट कर रहे हैं आपका वीडियो देख करके, हम तो कर रहे हैं ये लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ा, ना हाथ में झंझन हो रही, ना गर्म हो रहा, ना कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप तो बोल रहे हो कि नहीं इससे ठीक होगा, ठीक क्या हमको तो फर्क नहीं पड़ा। हम पूछते हैं कि आपने रेकी सीखी है? नहीं। आपने ट्रीटमेंट लिया? जी नहीं। उसकी क्या ज़रूरत है? तो मैं हर वीडियो के बारे में जब मैं बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये बात रिपीट करूँ कि ये सिंबल डालो
और उसका अटूनमेंट लो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो शुरू में ही सिखाते हैं कि बिना अटूनमेंट के ना रेकी काम करेगी, ना कोई सिंबल काम करेगा, ना कोई रोग ठीक होगा। इसलिए ये हर बार आप मान के चलिए कि रेकी मतलब अटूनमेंट, उसकी पावर लेनी, ये तो वही है। कोई कोई भगवान के अगेंस्ट बोलता है, अरे भगवान ये ऐसा, भगवान वैसा है, भगवान और एक्सपेक्ट करता है, क्यों भगवान ने मेरे लिए आज तक किया किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आप जब तक भगवान की पूजा नहीं करोगे, क्योंकि वो माता पिता है हमारे सबके, तो जब तक उनकी पूजा नहीं करोगे, जब तक उनके श्लोक और मंत्र से प्रार्थना नहीं करोगे, हाथ जोड़ करके दिया बत्ती अगरबत्ती जो भी है जला करके उनकी प्रार्थना नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, तब तक वो क्यों आप सुनेंगे। तो अगर आप रिस्पेक्ट दोगे और उनकी शक्ति लोगे, फिर सेम चीज़ रेकी में है कि रेकी को आप प्यार से बुलाओगे और अटूनमेंट लोगे, शक्ति लोगे, भाग भाग के काम करेगी। रेकी का काम है काम करना, सिर्फ बुलाओ आप, कुछ नहीं बुलाने का। आपको जो सिखाते हैं शुरू शुरू में सिखाते हैं, बुलाओ, हल्के से हाथ रगड़ो। हाथ क्यों रगड़ते हैं, जोर से रगड़ने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, हथेली में ऐसे भी करोगे ना बस, वो रेकी तुरंत बाहर निकल करके और शुरू हो जाएगी एकदम, और बस जहाँ आपको हीलिंग करनी है रख करके अपना आराम से होगा, हीलिंग करते रहो, ये रेकी का काम है आपको ठीक करने का। तो ठीक रेकी सीखिए, ठीक रेकी करिए, ठीक ठीक तरह से आगे बढ़िए।